वेलकम टू मारव विश्व फॉर्ट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मार्वल की बेस्ट वेब सीरीज के बारे में। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो मेरी फेवरेट मार्वल की वेब सीरीज है उसको मैं पहले नंबर पर रखूँगा, और जो सबसे ख़राब लगी मुझे या जो सबसे खराब मतलब ठीक नहीं लगी या अच्छी नहीं लगी या मेरी फेवरेट में से नहीं है और मैक्सिमम ऑडियंस ने उसे पसंद नहीं किया है, उस चीज़ को मैं सबसे लास्ट में रखूँगा। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करता है। तो सबसे मैंने यहाँ पर मेरी फेवरेट जो सीरीज़ है सबसे पहले नंबर की वो है लोकी। लोकी ने जो सीज़न वन में जो सीरियसनेस जो बिल्डअप किया है ना, स्टोरी बिल्डअप, लोकी के कैरेक्टर को स्टोरी आर्क में जो बिल्डअप दिया हुआ है, सेल्वी के कैरेक्टर को जो बिल्डअप दिया हुआ है स्टोरी के, सेल्वी की जो स्टोरी है उसकी बचपन से जो उसके साथ हुआ, टी वी वालों ने जो उसके साथ किया, पोलार्ड को मारा, टाइम ट्रैवल और जो मल्टीवर्स का कंसेप्ट है, ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें दिखाई गई। मतलब बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और टाइमलाइन का खेल, टीवीए का वो ऑफिस, उसका वो काम करने का तौर तरीका, और जो हमारा मोबियस है, मोबियस तो खास स्पेशली हमें लगाव हो गया है और हमें उसे सीज़न टू में भी देखना चाहते हैं, इतना ज़्यादा फैंस एक्साइटेड है मोबियस के लिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैक्सिमम ऑडियंस को ये चीज़ बहुत पसंद आई। और मैक्सिमम जितने भी ऑडियंस का यहाँ पर मानना है कि लोकी सबसे पहले नंबर का फेवरेट शो है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस का फर्स्ट जो फेवरेट शो है वो लोकी है। सेकंड नंबर यहाँ पर मेरा जो फेवरेट शो है मार्वल वेब सीरीज़ में से वो है यहाँ पर मून नाइट। मून नाइट इसलिए क्योंकि बिकॉज मून नाइट में काफ़ी अच्छे स्किल्स, एनिमेशंस काफ़ी अच्छे थे। वीएफएक्स के मामले में थोड़ा सा शिकायतें थी फैंस को कि मून नाइट एकदम ऐसा बल्कि बल्कि भारी भारी टाइप लग रहा है, जबकि मून नाइट एक काफ़ी लाइट वेट कैरेक्टर है जो डॉच, अटैक और फाइटिंग स्किल, कॉम्बैट स्किल्स उसके पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसी रीज़न की वजह से मून नाइट की जो सीरीज़ है वो मैं सेकेंड नंबर पर रख रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ़ दी फैंस को मून नाइट की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन थोड़ा सा वीएफएक्स के मामले में थोड़ा सा मार खाया है। और वहाँ पर मैं मून नाइट में सीरीज़ में एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि मून नाइट का जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छे से स्टोरी बिल्डअप करती है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से थोड़ा रह गया है। बिकॉज वो नेगेटिव पॉइंट मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वो नेगेटिव पॉइंट है फाइट सीन्स। फाइट सीन्स वीएफएक्स अच्छे ना होने की वजह से फाइट सीन्स को कट कर दिया गया, और वहाँ पर मैं मून नाइट की थर्ड पर्सनैलिटी जिसके बारे में आपको पता है, जैक लॉकली जो भी नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उस थर्ड पर्सनालिटी को ठीक से दिखाया नहीं गया और पूरी सीरीज़ में आखिरी एंड तक उसे छुपाया गया और उसे लास्ट में सिर्फ रिवील किया गया, और वो भी छोटा सा टीज़र दे के, एक तरीके से ऐसा करता है कि कैमियो दिया है और उस कैमियो के साथ में हमें छोड़ दिया गया अगले सीज़न के लिए। तो भाई मून नाइट का सीज़न टू तो उसके लिए सब लोग एक्साइटेड है, पूरी ऑडियंस एक्साइटेड है मून नाइट के सीज़न टू के लिए। उम्मीद करता हूँ कि 2023 में हमें लोकी का सीज़न और मून नाइट का भी सीज़न देखने को मिलेगा, जिससे हमारा 2023 काफ़ी ज़्यादा ऑसम बन जाएगा। अगला थर्ड नंबर की सीरीज़ है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर मेरी बेस्ट सीरीज़ में से एक है, क्योंकि बिकॉज ये रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, और जो 2021 और 2020 में जो घटनाएं घटित हुई है जो कि रियल वर्ल्ड से इंस्पायर है वो एकदम असली है। फूड ना मिलना, लोगों को हेल्प ना मिलना, लोगों को लोन्स ना मिलना, सुपर हीरो का अगर कोई बैकअप प्लान ना हो, उनकी कोई जॉब ना हो, उनको अगर पेमेंट ना मिले तो वो गुजारा कैसा करते हैं, वो सब उसमें दिखाया गया जो कि एक असली रियलिटी है। उस रियलिटी की वजह से फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ में से एक है, और वो दिल से मुझे पसंद आई। उसके एक एक सीन्स, उसके एक एक एपिसोड, उसके लिए एक्साइटेड रहना और आगे क्या होने वाला है उसके लिए सुपर हाइपअप होना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बहुत सारे लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसे रियलिटी से जुड़ा हुआ है, और एक ब्लैक पर्सन के साथ में लोग कैसे बिहेवियर करते हैं और कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर करते हैं बचपन से लेके बड़े होते तक, एक ब्लैक कलर को लोगों के मन में क्या फीलिंग्स है और उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सीरीज़ में दिखाया गया, और ये काफ़ी ज़्यादा एक रियलिटी से मैचअप किया हुआ है, और ये सही भी है। आगे हमने 2021 और 2020 में भी देखा कि किस तरीके से अमेरिका में इस चीज़ों को लेके काफ़ी बवाल हुआ था 2020 और 2021 में, और ब्लैक लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोर्चे किए थे। मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में दिखाया गया, और वहाँ पर मैं अमेरिका के लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी, और ये जो रेसिज्म किया गया स्किन टोन से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू था।
तो ये बड़े इशू को ध्यान में रखते हुए फाल्कन द विंटर सोल्जर में काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, और यह सच है, रियलिटी है, और मार्वल ने इस तरीके से उसको रियलिटी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही चीज़ मुझे मार्वल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो अपने फैंस में और अपने व्यूअर्स में एक रियलिटी चीज़ें भी अच्छी अच्छी तरह से बनाए रखता है, और साथ में नए जनरेशन को, न्यू जनरेशन को भी लेके चलता है। तो इसी चीज़ के वजह से मुझे मार्वल के सीरीज़ और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगली सीरीज़ है वांडा विजन। अब वांडा विजन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। वांडा विजन मेरे मुझे इस बात से थोड़ा बुरी लगी, इसलिए लगी क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने ऑनलाइन सर्च किया, बट ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। और जिस टाइम पे ये रिलीज़ की गई, ये मार्वल की फर्स्ट टीवी सीरीज, वेब सीरीज़ थी, मार्वल की टीवी सीरीज़ या टीवी शो बोल सकते हैं, और ये सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, इसे इंग्लिश में मजबूरन मुझे देखना पड़ा। इंग्लिश में सबटाइटल के साथ में काम चल गया, और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो कुछ कुछ वर्ड समझ में आए, कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो तो होता ही है, हमें इंडियंस में उतना तो होता ही है। तो इंग्लिश वीक है मेरी, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, जो सच है वो बताना चाहिए और आगे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं जो वेब सीरीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वांडा विजन की, तो वांडा विजन से एक शिकायत ये रही है कि थोड़ा सा जो कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में ये सीरीज़ को शूट किया गया, और थोड़े से VFX और एनिमेशन थोड़ा सा उसमें कम लगा गया फैंस को, लेकिन जो स्टोरी का बिल्डअप था या जिस तरीके से सस्पेंस बिल्ड किया गया था कि अगाथा इस सब के स्टोरी के पीछे होगी एंड वो इस सीरीज़ की या टीवी शोज़ की मेन विलन होगी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मैं सस्पेंस बना के रखा था। मार्वल और डिज्नी ने मिलके अच्छे खासे का यहाँ पर मैं शो में जो है सस्पेंस बना के रखा था। एंड मोस्ट ऑफ द यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फैंस को थोड़े डिसअपॉइंटेड ज़रूर थी कि विजन को इतना कमज़ोर क्यों दिखाया, एंड रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इसका और बेहतर दिखा सकते थे, ऐसी और भी कई सारी कंप्लेंट्स थी। यहाँ तक के जो वांडा विजन के जो बेटे हैं, विकन एंड स्पीड नाम से जो बेटा है, उसका भी थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट और हो सकता था। एंड वहाँ पर एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था वांडा विजन के सीरीज में, जिसको हम लोग फोटोन नाम से कैरेक्टर से जानते हैं, और उसको मार्वल्स करके मूवी में आगे मूवी में दिखाने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, और साथ में इस वेब सीरीज़ में डार्सी नाम का लुइस का कैरेक्टर जो था, डार्सी लुइस या डार्सी जो भी नाम है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फैंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, स्पेशली पीजे एक्सप्लेन को। तो जो मेरी अगली फेवरेट वेब सीरीज़ है वो है हॉकाय। हॉका यहाँ पर मैं काफ़ी भी मुझे अच्छा क्रिसमस का एक काफ़ी उसमें टोन मुझे अच्छा लगा, लाइट टोन लगा, न्यू एवेंजर्स को कैसे सेटअप किया जा रहा है, और एक बो एंड एरो से लड़ने वाले एक मामूली से एक हीरो को एवेंजर्स में कैसे जगह मिली, वो अपना घर कैसे चलाता है एंड गेम के बाद में, उसके ऊपर में उसकी फैमिली के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और वो अपने फैमिली को किस तरीके से गुंडों से, मवाली से, अपने दुश्मन से, विलन से कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है, वो इस वेब सीरीज में दिखाया गया। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि हॉकाई का काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, वो किसी भी तरीके के कोई भी उसके पास में स्पेशल पावर्स या एबिलिटी नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से उसने वेब सीरीज़ में दिखाया गया, और अपने फैमिली को वो कैसे संभालता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी किस तरीके से वो निभाता है, वो उसमें दिखाया गया। ये काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसी रीज़न की वजह से मुझे हॉकाई जो वेब सीरीज़ है मार्वल की वो काफ़ी अच्छी लगी, और उसे आप क्रिसमस में भी एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ में, एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। रही बात इसके एपिसोड्स की, उसे सस्पेंस और बिल्डअप की, तो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया। इसमें किंग पिंग का कैमियो वो भी मुझे अच्छा लगा, माया लोपेस का एक्टिंग वो भी ठीक लगी, कुछ कुछ हद तक थोड़ा सा ये लग रहा था कि वहाँ पर मैं हॉकाई जो है थोड़ा सा बूढ़ा होने की वजह से हार रहा था, बट ऐसे एवेंजर्स अगर 2012 का अगर हॉकाई होता तो मुझे नहीं लगता कि हॉकाई उसको माया लोपेस को जीतने का एक भी चांस देता। बट रोनिन ने जो रोनिन हॉकाई ने जो रोनिन बन के जो इन्फिनिटी वॉर के बाद में जो कांड किए थे, वो कांड की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी हॉकाई को। तो उसने जो भी किया वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली वेब सीरीज़ है यहाँ पर मैं मिस मार्वल। मिस मार्वल के बारे में क्या ही बोलूँ। मिस मार्वल एक न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ थी, और न्यू ऑडियंस को कैच करने के लिए, या फिर फीमेल जो वॉरियर्स है या फीमेल जो मैक्सिमम ऑडियंस है उनको कैच करने के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर वेब सीरीज़ बनाई गई थी, और इसमें इंडियन
इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरह से लिया गया, इंडियन न्यू जनरेशन को भी काफ़ी अच्छे तरह से लिया गया। उसमें स्टोरी काफ़ी अच्छे तरह से बताया गया कि उसकी दादी कहाँ से थी, कैसी थी, इंडियन थी, और वो जो सुपर हीरो है वो इंडियन से है, और फिर बाद में जाके पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई वगैरह वगैरह, USA में शिफ्ट हो गई, ये सब सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। तो वो भी ठीक लगी सीरीज़, बस उसमें भी फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया कि उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, उसके बाद में जो एपिसोड आए वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और उसमें काफ़ी हद तक उसकी स्टोरी बिल्डअप या कुछ स्टोरी एंड करने का जो तरीका था आगे के सीरीज़ में, जो जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, ये फैंस को काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड शिकायतें थी। तो ये सीरीज़ उतनी थोड़ा सा मैं ज़्यादा फेवरेट तो नहीं थी, ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, क्योंकि न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस था, ऊपर से कैप्टन मार्वल का इसमें नाम जुड़ा हुआ था, और एक कैप्टन मार्वल की मिस मार्वल फैन थी, तो उस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैंस को डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुआ। अगला शॉर्ट सीरीज़ है, अगली शॉर्ट सीरीज़ जो मेरी फेवरेट सीरीज़ है वो है आई एम ग्रूट। आई एम ग्रूट की एक वेब सीरीज़, छोटी सी वेब सीरीज़ आई थी जिसको शॉर्ट सीरीज़ बोल सकते हैं, शॉर्ट वीडियो आया था जो काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा लंबा तो नहीं था लेकिन काफ़ी अच्छा था, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। काश उसको थोड़ा सा मार्वल वाले थोड़ा और अच्छे तरीके से रॉकेट के साथ में और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते तो उसमें VFX का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता, जैसे कि उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 में जो ग्रूट के एनिमेशन और VFX एनिमेशन में जो खर्चा आया था सेम बहुत ज़्यादा खर्चा आता उसका, और उसी के रीजन की वजह से उसकी जो शॉर्ट सीरीज थी उन्होंने काफ़ी कम बनाई थी। आई होप कि वो फ्यूचर में इसके ग्रूट के ऊपर में कुछ जस्टिस करवाएंगे। आई नीड ग्रूट, वी आर ग्रूट। और सबसे घटिया और बकवास शोर लगी है मेरे को शीहल की, भाई साहब क्या पिछवाड़ा हिलाया यार पूरे एपिसोड में, इसने पिछवाड़ा हिला के पूरे मतलब पूरी शीहल की सीरीज़ का पूरी TRP खींच ली थी भाई, उसके एपिसोड में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसे ऐसे सिचुएशन में शीघ्र ने अपना पिछवाड़ा हिलाया और सभी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जहाँ तक कि मार्वल्स के अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े फैन भी ये शीघ्र के एपिसोड को अवॉइड कर रहे थे, बोर हो रहे थे, वहाँ पर शीघ्र ने अपना पिछवाड़ा हिला के सबका ध्यान अट्रैक्ट खींच लिया भाई साहब, मतलब TRP तोड़ दी उस एपिसोड में खाली उसी पल के लिए, और बवाल कर दिया पूरे इंटरनेट पे। तो शीहल की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लगी, यहाँ तक कि मार्वल जो मार्वल का सबसे फैन फेवरेट कैरेक्टर हल्क, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हल्क, सबसे ताकतवर कैरेक्टर हल्क की पूरी बैंड बजा के रखी है यार, पूरी उसकी इमेज की धज्जियाँ कर दी। हल्क का फुल फॉर्म नहीं दिखाया गया, हल्क की स्टोरी आपको आगे नहीं बढ़ाया गया, उसमें जैसे हॉकाई जो केट बिशप थी उसके स्टोरी आपको सपोर्ट देने के लिए हॉकाई का कैरेक्टर वहाँ मौजूद था, तो वैसे ही शी हल्क का कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हल्क का भी वहाँ पर में स्टोरी में नीड थी, बट वहाँ पर में उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया और मार्वल वालों ने वहाँ पर गड़बड़ कर दी, हल्क को वहाँ से Episode 1 में उठा के फेंक दिया सकार में और सीधे लास्ट एपिसोड में एंट्री करवा दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था फैंस के लिए भी और हम सभी के लिए भी कि शी हल्क की सीरीज सबसे बेकार वेब सीरीज थी मार्वल की अभी तक की, और भाई साहब क्या हगाया यार पूरी सीरीज़ में, पूरे पूरे सीरीज़ के एपिसोड इतने बोर थे कि देखने का भी मन नहीं होता था, यहाँ तक कि शीहल के एपिसोड का जो विलन था वो भी एकदम बकवास और घटिया था, कम से कम किसी अबोमिनेशन को फाइट तो करवा देते यार, और वो फाइट भी इतनी कम सेकंड्स की थी हम लोग उसको ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाए, जहाँ पे हमें हल्क छोटा दिखाया गया था और अबोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा, तो वहाँ पर मैं एक हल्क के लिए ना जस्टिस #justice फॉर हल्क लिखने का मन कर रहा था यार, सच में गाइस जस्टिस फॉर हल्क लिखने का सच में सीरियसली बहुत मन कर रहा था, बेचारे हल्क की इज्जत की पूरी फालूदा कर दिया इन लोगों ने। तो ये थे कुछ मेरे फेवरेट मार्वल के TV शोज वेब सीरीज, तो आप लोगों को कौन सा वेब सीरीज पहले नंबर पे रखना पसंद करूँगे गाइस ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आपका फेवरेट मार्वल का वेब सीरीज़ कौन सी वेब सीरीज़ आपकी फेवरेट है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इंकरेज कीजिए, एंड कीप फॉलोइंग का रेट लगा के आगे बढ़िए, और मास्क लगाइए, अपने फैमिली का अपना ध्यान रखिए और आसपास सभी का ध्यान रखिए। धन्यवाद।